शनिवार को शहर से सटी ग्राम पंचायत सिलारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना का भूमि पूजन सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक ठाकुरदास नागवंशी की उपस्थिति में किया गया। सांसद ने प्रतीकात्मक कुदारी चलाकर नल जल योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर सांसद ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें विकास निर्माण कार्यों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। एक दो लोग हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं, उन्हें इस उपचुनाव के बाद ठीक कर दिया जाएगा। वहीं सांसद ने बढ़ती महंगाई पर कहा कि किसानों को उनकी उपज का दाम अधिक मिले, इसलिए कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है। कोरोना संक्रमण काल का सरकारों ने सामना किया है, वही आम आदमी की परेशानियां भी बड़ी थी, लेकिन सब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। सांसद ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में शासन की सभी योजना 100% लागू है। उल्लेखनीय है, नल जल योजना करीब 80 लाख की लागत से इस ग्राम पंचायत में तैयार हो रही है। वही कार्यक्रम स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। नेता और जनता बिना मास्क लगाए खचाखच भीड़ भरे स्थल पर दिखाई दिए। वहीं सांसद ने सभा के दौरान टोका भी, लेकिन किसी ने मास्क से खुद को कवर नहीं किया। ग्रामीणों के घर घर योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति होगी। इस मौके पर विधायक ठाकुरदास नागवंशी, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल, सरपंच रूप सिंह वर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी ग्रामीण उपस्थित रहे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पिपरिया से शकील न्याजी की रिपोर्ट।